नमस्कार, द रूस्टर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसी बेटी की जिसको जरी सी छोटी सी मदद चाहिए आपसे और मुझसे। पूजा बालशंकर इनका नाम है, ये पुणे से आती हैं। इनकी उम्र जो है 27 साल है। पिछले साल यानी 1 जनवरी 2017 को ये एक बेहद ही बड़े एक्सीडेंट से बाहर निकली हैं। ये अपने मित्र के साथ बाइक पे सवार थी, अचानक से इतना भीषण एक्सीडेंट हुआ इनके साथ कि इनका जो बायां हिस्सा है, शरीर का जो बायां हिस्सा है, इतना ज़्यादा चोटिल हुआ, यानी इनकी एक तरफ की आँख, पूरा कंधा, हाथ, पैर, तमाम वो हड्डियाँ काफ़ी सारे मल्टीपल फ्रैक्चर से गुजरी। इनके अब तक 4 सर्जरीज हो चुकी हैं। हर सर्जरी जो है तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए की होती है। पूजा ने हमें आपके लिए पर्सनली एक मैसेज भी छोड़ा है जो अगला वीडियो आप देखने वाले हैं। हेलो गाइस, दिस इज पूजा आनंद भालशंकर। आई हैड गॉन थ्रू अ वेरी क्रिटिकल बाइक एक्सीडेंट बाय 1st जनवरी 2017। द एक्सीडेंट वाज रियली क्रिटिकल, हेंस इट्स बीन 1.5 ईयर एंड स्टिल गोइंग थ्रू द ट्रीटमेंट। देयर आर मेनी इंजरीज आई एम गोइंग थ्रू ड्यू टू दिस एक्सीडेंट, as in multiple facial fracture, complete deformation of nodular bone, bone loss, mouth bone loss, loss of teeth. The severe injury I am going through is I completely lost the movement and sensation of my left hand. The purpose of sharing my story in front of you all is there is not a health issue I am going through, but there is a other problem too I am going through right away. The main issue is after the 4 months of my accident, I lost my dad, and my treatment and surgery still now has only been done on his savings. But right away, I came to the situation where his saving is completely over, and my doctor advised me that I still need to go through 2 to 3 more hand surgeries so that I'll be able to get back to my normal life and I'll be able to get back my movement of left hand. So I do believe that you guys will be able to help me out with that. I request you all to please give me a monetary support, whatever minimal amount you can, so that I'll be able to complete my treatment. Because after the death of my dad, we completely become economically weak. Our day-to-day activities we are managing on the pension of my mom, and hence I am not able to continue my treatment ahead. इस दर्दनाक हादसे से पूजा अभी उभरी ही नहीं थी कि उनके पिता की मौत हो गई। यानी इस एक्सीडेंट के ठीक 4th महीने में पूजा ने अपने पिता को भी गवा दिया। पिता जो इनके तमाम खर्चे थे, जो इनके हॉस्पिटल का खर्चा था वो उठा रहे थे, अपनी मौत के बाद भी पूजा का खर्चा उठाते रहे। यानी जो पिता के मरने के बाद जो भी पेंशन का पैसा आया, जो भी और तमाम चीजें आई, वो पूजा के इलाज में ही खर्च हो गई। इनके पिता रेलवे के एम्प्लॉय थे, उनके मृत्यु के बाद जो भी रेलवे ने उनको पैसा दिया वो तमाम पैसा पूजा के 4 ऑपरेशंस में लग चुका है। यानी पूजा की जो माली हालत है वो इतनी ज़्यादा ख़राब है, इतनी ज़्यादा तंग है कि पूजा अगला ऑपरेशन नहीं करवा पा रही है। पूजा अपने घर की सबसे बड़ी बेटी है, इनके बाद 2 और छोटे भाई बहन हैं जिनकी पढ़ाई अभी अभी ख़त्म हुई है, और जो इनका घर का खर्च चलता है वो इनके पिता के पेंशन से ही चलता है। पूजा की नौकरी जा चुकी है। पूजा का बायां हाथ एकदम काम नहीं करता है, उसमें किसी भी प्रकार की मूवमेंट नहीं है। पूजा का अगला ऑपरेशन भी इसी के लिए किया जा रहा है। अगर पूजा का ये ऑपरेशन हो जाता है तो शायद पूजा खुद ब खुद खड़ी हो पाएगी, अपने जीवन को और अच्छे से निभा पाएगी और अपने जो परिवार को संभाल पाएगी। पूजा को दोबारे से नौकरी मिल पाएगी और पूजा बाहर जाकर नौकरी कर पाएगी। इस बेटी की पुकार सिर्फ इतनी है, जो आप वीकेंड पे छोटा मोटा खर्च करते हैं उसका छोटा सा एक हिस्सा पूजा को दें। milab.org भी इसी संघर्ष में है, जिनकी मदद से पूजा को अब तक 65,000 रुपए के आसपास मिल चुके हैं। पूजा को 1,35,000 रुपए की और ज़रूरत है। इस पूरे स्टोरी को हमारी एक खास दोस्त हैं जो कि जिनका नाम है सुप्रिया खरत, जो एक बहुत फेमस कथक डांसर हैं, जिन्होंने हमको एक मैसेज के द्वारा हमको बताया। उसके बाद जब हमने इसमें और पड़ताल करी, हमने सीधे पूजा से बात भी करी और पूजा ने हमारे कहने पर एक छोटा सा मैसेज भी दिया है, एक छोटा सा ऐसा संदेश जो तमाम जो हिंदुस्तान के लोग हैं वो ज़रा सा सोचें। आपकी एक छोटी सी मदद
एक बच्ची की मुस्कुराहट को वापस लेके आ सकती है, हमारी घर की बेटी को खुशहाल जिंदगी दे सकती है। हमारी सिर्फ एक छोटी सी कोशिश है कि आप तमाम लोग, जितने भी लोग हैं जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो जितनी जल्द हो सके पूजा की मदद करें। पूजा का अकाउंट डिटेल, पूजा का ईमेल एड्रेस हम नीचे स्क्रॉलर पर चला रहे हैं। जो लोग भी पूजा से सीधे संपर्क करना चाहते हैं उसके लिए वो उनको ईमेल कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा जो पूजा का खर्चा हुआ है पिछला हॉस्पिटल में, उस हॉस्पिटल का बिल भी हमने लगाया है और हॉस्पिटल ने एक चिट्ठी भी जारी करी है कि हाँ, ये पूजा जो है हमारे ही अस्पताल में अपना इलाज करा रही हैं और इनको इस तरह से आर्थिक मदद की ज़रूरत है। आशा करते हैं कि पूजा अपने पैरों पर जल्द खड़ी होंगी, पूजा का हाथ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, आप सब लोग पूजा की मदद करेंगे। हम द रूस्टर न्यूज़ की टीम, हमसे जो भी बन पड़ रहा है हम पूजा की मदद करने के लिए आगे आए हैं। हम चाहते हैं जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो शेयर करें और हो सके तो पूजा की मदद सीधे करें। बने रहे हमारे साथ द रूस्टर न्यूज़, जो आपको तमाम खबरें दिखाता है जो सीधे आपकी जड़ों से जुड़ा हुआ होता है। सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको तमाम खबरें मिलती रहें जो हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाते हैं। धन्यवाद।